हरलाखी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के भवन की जर्जरता को लेकर स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर विधानसभा में सरकार के समक्ष इसके निर्माण की मांग रखे हैं। प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय में भवन की आवश्यकता को देखते हुए मंत्री से विधायक ने निर्माण की मांग रखी। मंत्री ने विधायक के मांग पर जल्द विचार करने की बात कही है। विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि यहां का भवन व आवास काफी जर्जर हो चुका है, जिसके कारण विभिन्न कागजात अथवा कार्यालय संचालन में परेशानी होती है, जिसको लेकर हमने सदन में इसके निर्माण की दिशा में मंत्री जी से आग्रह किया है, जल्द ही इसका निर्माण कराया जाएगा। वहीं जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष अनिल सिंह, रणवीर सिंह, बंटी सिंह, लक्षण देव यादव, युगल किशोर यादव, विकास कुमार पासवान समेत लोगों ने विधायक को साधुवाद दिया है। लोगों ने कहा कि प्रखंड कार्यालय के लिए भवन की आवश्यकता है, बारिश के समय लोगों को भारी परेशानी होती है और कार्यालय के कार्य में दिक्कत होती है, इसलिए भवन की आवश्यकता है। बताइए विकास जी, जो प्रखंड कार्यालय को लेकर के जो भवन नहीं है वहाँ, इसको लेकर के विधानसभा में सदन में विधायक जी ने आवाज उठाया है, किस रूप में देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छा रूप में देख रहे हैं और बहुत सराहनीय कदम माननीय विधायक जी बिहार विधानसभा में क्वेश्चन में पूछे हैं और मंत्री जी का भी आश्वासन मिला है कि बहुत से जल्दी भवन तैयार हो जाए और लोगों के प्रति प्रखंड का कार्य काम प्रखंड में ही होता है, सारा चीज है, इसी के लेकर मैंने विधायक जी का आभार व्यक्त। और किस तरह से मतलब लोगों को दिक्कत होती है वहाँ बारिश वरिश के समय में? स्वाभाविक थोड़ा सा दिक्कत तो है, नहीं है दिक्कत सो बात तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये काम आपको हो जाएगा। सुधांशु शेखर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के प्रखंड सह अंचल कार्यालय के भवन एवं चारदीवारी का निर्माण करवावे। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। उपाध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत हरलाखी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के भवन पुराना है। राज्य सरकार सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखंड जिसके जीर्णोद्धार मरम्मती की आवश्यकता है उनके कार्यालय व आवासीय भवन तथा परिसर विकास के लिए कृत संकल्पित है। अब तक 80 प्रखंडों में प्रखंड से अंचल कार्यालय से आवासीय भवन का निर्माण कराया जा रहा है, साथ ही 101 प्रखंडों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता हेतु प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का भी निर्माण कराया जा रहा है। शेष प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से प्रखंड कार्यालय से आवासीय भवन तथा परिसर विकास कराने की सरकार की योजना है। प्राथमिकता के आधार पर मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड को अगले चरण में शामिल किया जा सकेगा। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं संकल्प को वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।